तो सभी साथियों का आज के हिंदी सत्र में स्वागत है। जी नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते विनय। तो मेरा प्रश्न क्यूरियोसिटी ही है, क्योंकि तो वहां तक तो हम पहुंचे नहीं है अभी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो पर्पस है, बस पूरी रियलिटी को समझना और जीना, और एक बार जब हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जिसको हम शुद्ध दृष्टा की स्थिति बोल रहे हैं, तो उसके बाद मुझे लेने की, शरीर को धारण करने की बाध्यता नहीं रहेगी। तो उसके बाद जो स्थिति होगी, क्योंकि ऐसे कई सेल्फ हो सकते हैं अस्तित्व में जो इस बाध्यता से मुक्त हो चुके हैं, और ऐसे भी मानव हो सकते हैं इस समय भी जिन्होंने समाज की उपयोगिता के लिए अपने रोल को देखते हुए फिर से शरीर को धारण किया होगा। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिस समय ये स्थिति में पहुंच जाएंगे हम, कि पूरी वास्तविकता को हमने समझ लिया है और जन्म फिर से शरीर धारण करने की बाध्यता नहीं है, तो जी फिर उसके बाद क्या स्थिति हो सकती है? ये मैं समझ कल रात में सोते समय इसी को विचार करता रहा था, और जब मैं वहां पहुंचा कि अगर मेरी स्थिति वो हो जाती है तो उसके आगे क्या होगा, क्योंकि इवोल्यूशन स्टेज की, तो इवोल्यूशन की स्टेज पे तो हम लोग उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो मतलब अंत है, वहां पे कोई आगे कुछ नहीं है, तो इस जी स्थिति के बाद क्या होगा? ठीक। जो हम लोग चर्चा सारी कर रहे हैं उसमें ये आंसर तो इंक्लूडेड है, लेकिन मैं उसको क्लियर कर देता हूं। देखिए, शरीर चलाना और शरीर चलाने की बाध्यता होना, ये दो अलग अलग चीज है, ये हमको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, हम एक शरीर चला रहे हैं, उसके साथ अस्तित्व को स्वीकारे हुए हैं, ये एक बात है। हम एक शरीर चलाने के लिए बाध्य हैं, ये एक और बात है। इन दोनों में अंतर क्या है उसको मैं स्पष्ट कर देता हूं ना। तो ये जो हम लोग अभ्यास पर काम शुरू किए थे, तो बार बार ये पूछ रहे थे हम लोग, अगर आपको ध्यान हो, कि सुख हमारा स्वभाव है कि प्रभाव है ना। और फिर ये कहा कि सुख अगर ठीक से देखेंगे, उसको समझेंगे, तो सुख हमारा स्वभाव है, प्रभाव नहीं है। तो जब हम अस्तित्व को जैसा है वैसा देख पाते हैं, अपने को जैसा मैं हूं वैसा देख पाता हूं पूरी संभावनाओं के साथ, और फिर हमारा जो जीना है इस अस्तित्व में उसको देख पाता हूँ ठीक, तो इस ज्ञान के साथ हम अपने में समाधान में रहते हैं और हम सुखी रहते हैं निरंतर। उसी को दूसरी भाषा में कहा था कि अस्तित्व व्यवस्था और संबंध हमको दिख जाए, समझ में आ जाए, और उसके अर्थ में हमारा भाव विचार चलने लगे, तो हम हर क्षण सुखी रह सकते हैं। इसी काम को हम लोग अभ्यास एक में कर रहे हैं। ठीक है, जी तो ये अगर हमको दिख जाए कि हमारा सुख का स्रोत हमारे अपने में ही है, और उसका तरीका ये होगा कि हम सहस्तित्व व्यवस्था संबंध को देख लें, सहस्तित्व व्यवस्था संबंध के अर्थ में हमारा भाव विचार चलने लगे और अन्यथा ना चले, तो हर क्षण हम सुखी बने रहेंगे। जी सर ये अगर हमको दिख जाए, और जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, है कि नहीं, जी सर बिल्कुल सही। तो फिर बाहर से कुछ पाकर सुखी होना या प्रभाव में सुखी होना इसकी बाध्यता नहीं है। इतनी बात कह रहे हैं, ये बाहर से कुछ पाना अभी जो सामान्यता होता है वो तो शरीर के माध्यम से हो रहा है, उसको अभ्यास दो में देखा हम लोगों ने, है ना। शरीर से कोई संवेदना को हम पढ़ते हैं, है ना, उसको अपने संस्कार के आधार पर अर्थ देते हैं,
उसके आधार पर अपने भाव को बनाते बिगाड़ते हैं, ठीक है ना, उसके आधार पर सुखी दुखी होते हैं। वो संवेदना चाहे शरीर में अपने केस्तर पर से ही आ रही हो, या दूसरे भौतिक रासायनिक वस्तु के संपर्क से आ रही हो, या दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से आ रही हो, ठीक है ना। ये जो तीन तरह के प्रभाव हैं हमारे ऊपर अभी, एक तो शरीर में होने वाली संवेदना जो शरीर के बनावट के कारण ही हो रही है, शरीर की स्थिति के कारण हो रही है, दूसरा बाहर की परिस्थिति का जो प्रभाव शरीर पे पड़ रहा है, गर्मी ठंडक उसके कारण, कुछ खाना पीना उसके कारण, और तीसरा दूसरा व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा है उसका प्रभाव जो शरीर पे पड़ रहा है, उसको हम संवेदना के रूप में पढ़ते हैं। ये तीन कारणों से हमारे पर प्रभाव पड़ रहा है बाहर से, उसको अभ्यास दो में देखा हम लोगों ने, है ना। तो वो अभ्यास जो है, वो जो प्रभाव है बाहर का, वो हमारे सुख दुख का अगर कारण है तो हम हमेशा समस्याग्रस्त रहेंगे, प्रतिक्रिया में जीते रहेंगे। अगर सुख हमारा स्वभाव है, हमको ये दिख गया और हम अपने स्वभाव के तहत सुखी हो गए, तो ये बाहर से कुछ प्रभाव पाकर सुखी होने का जो मामला है वो बाध्यता खत्म हो जाएगी। तो ये इमेटेरियल है कि अभी हम एक शरीर के साथ जुड़े हैं कि नहीं, उसको चला रहे हैं कि नहीं, चला रहे हैं तो भी, नहीं चला रहे हैं तो भी, हमारी बाध्यता नहीं है। तो इस पर बहुत सारी बात हुई है। अगर शंकराचार्य को पढ़ेंगे तो शंकराचार्य इसको जीवन मुक्त कहते हैं, गीता को पढ़ेंगे तो स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो ये जीवन मुक्त होना के लिए शरीर छोड़ना जरूरी नहीं है, शरीर चलाते हुए हम जीवन मुक्त हो सकते हैं, शरीर चलाते हुए हम स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं। ये जो बाहर से कुछ पा के सुखी होंगे यही बंधन है। हम अपने समझ से, अपने भाव विचार के आधार पर हम सुखी हो गए हैं, यही मुक्ति है। बंधन का मतलब यह है कि जिससे सुखी हो नहीं सकते और सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं वो होता नहीं है, यही बंधन है। मुक्ति का मतलब जिससे सुखी हो सकते हैं पता चल गया, उससे हम सुखी हो गए, यही मुक्ति है। तो बंधन और मोक्ष का मतलब यह है। अभी हम शरीर चलाने के लिए बाध्य हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि शरीर के से कुछ पाकर हम सुखी हो जाएंगे, अनुकूल संवेदना पाकर सुखी हो जाएंगे, है ना, और ये होता नहीं है सुख, इसलिए हम बाध्य हैं। अभी ये पता चल जाए कि शरीर से संवेदना पाकर सुखी होने का काम निरंतर हो नहीं सकता, वो तो ज्ञान और समाधान से हो सकता है, सही समझ और सही भाव विचार से हो सकता है, तो हम सही समझ और सही भाव विचार के साथ सुखी रहेंगे सुखपूर्वक। अब ये देखेंगे कि परस्परता में संबंध का निर्वाह करने के लिए शरीर एक उपयोगी माध्यम है, वो संबंध का निर्वाह शरीर के माध्यम से किया जा सकता है, उसको करेंगे, वो हो सकता है। तो अब शरीर हमारे लिए बाध्यता नहीं है, बंधन नहीं है, शरीर हमारे लिए एक उपयोगी साधन है और हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। और चूंकि एक उपयोगी साधन है और उसका मैं सदुपयोग कर रहा हूं, इसके लिए उसके पोषण संरक्षण की जिम्मेदारी मेरी बनती है, हम करेंगे उसका पोषण संरक्षण। तो अब एक बहुत इफेक्टिव यंत्र के रूप में, साधन के रूप में हम शरीर का सदुपयोग करेंगे और शरीर का पोषण संरक्षण भी करेंगे। अब ये बाध्यता नहीं हमारे लिए, अभी हमारे लिए एक फैसिलिटी है, एक साधन है। जब तक हम इससे सुखी होने की चाहना करते हैं और सुखी नहीं हो पाते तब तक वो बाध्यता है। ये स्पष्ट हो गया? जी सर, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। तो हम सब लोग संत बनने वाले हैं, इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आपसे प्रश्न पूछने का है, यही होता है कि
सुनते हैं आपसे जो आंसर मिलता है, रिस्पांस मिलता है, तो उससे जो कड़ियां बीच बीच में टूटी हुई है ना, जुड़ नहीं पाती हैं समझ में हमारे, वो जी जुड़ने जी लगती है। हाँ जी सही बात है, सर। सही बात है। और आपको ये भी लगता होगा कि आज उत्तर तो वही है, प्रश्न कुछ भी पूछिए। जी सर सही है, लेकिन आपकी आवाज सुनते हैं, आपका रिस्पांस सुनते हैं, तो बहुत एक तो दिशा भी मिल जाती है और गति भी बढ़ जाती जी, मैं इतना ही करता हूं कि उन कड़ियों को जोड़ देता हूं जो जुड़ी हुई हैं, उस पर ध्यान है। दिला देता नहीं, हूं। हमारी समझ की बात कर रहा हूँ, समझ में हाँ जी, कड़ियां जुड़ी ठीक रहती बात, हैं। ठीक बात। वही जो जुड़ी हुई है कड़ियां, वो आपको भी दिख जाए, जी वही काम है और क्या। जी जी थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार। जी धन्यवाद। ठीक। नमस्ते भैया। नमस्ते टॉर, नमस्ते, आम आई नमस्ते। ऑडिबल? यस, यू आर आई ऑडिबल। वांट टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट दैट मुक्ति लिबरेशन। जस्ट नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट मुक्ति सर, दैट इज द क्वेश्चन आई राइज इन इंग्लिश सेशन। जी, हम लोग तो मुक्ति की बात कर रहे हैं। ऑल थ्रू जो है मुक्ति के बारे ही बात हो रही है। तो जो मैंने कहा ना कि बंधन से मुक्ति के लिए है ना प्रयास है, ये सारा जो यूएचबी का एफर्ट है वो इस बात के लिए ही है कि कैसे हम बंधन से मुक्ति तक पहुंच जाएं। और जो भी अभी तक परंपरा में प्रयास किए गए, उससे समझकर सीखकर है ना, उसका अभ्यास करके हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि उसको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में ले आए। तो सारा जो भी डायलॉग हो रहा है, अभी संवाद हो रहा है, वो तो सारा मुक्ति के लिए ही हो रहा है। तो उसी को मैंने अभी स्पष्ट किया कि मुक्ति का क्या मतलब है, बंधन का क्या मतलब है। तो बंधन का मतलब यह है, अल्टीमेटली तो हम निरंतर सुखी होना चाहते हैं। ये जो निरंतर सुखी होना है, ये स्वभाव है कि प्रभाव है? अभी इसको प्रभाव मानते हैं, जो बाहर की अनुकूलता मिलेगी उस अनुकूलता को पाकर हम सुखी होंगे। तो बाहर के प्रभाव से हम सुखी होंगे ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं, लेकिन होता नहीं है, इसीलिए बंधन है। ये समझ में आ जाए कि कैसे होता है, वैसा करने लगे, निरंतर सुखी हो जाए, यही मुक्ति है। ठीक है ना? तो पूरे कोर्स को अगर आप देखेंगे, EHV 2 के कोर्स को अगर ठीक से आप सुने ही होंगे, है ना, तो ये कह रहे हैं कि अनुकूल संवेदना पाके सुखी होना, अनुकूल भाव पाके सुखी होना, यही अभी हमारा प्रयास चल रहा है। और इससे हम निरंतर सुखी होते नहीं है। ठीक है ना? इसलिए ये जो प्रयास है, यही बंधन है। शरीर बंधन नहीं है, सुविधाएं बंधन नहीं है। हम ये जो प्रयास कर रहे हैं कि शरीर से सुखी हो जाएंगे, संवेदना से सुखी हो जाएंगे, सुविधा से सुखी हो जाएंगे, दूसरे से सम्मान पाकर सुखी हो जाएंगे निरंतर, ये जो प्रयास है ये बंधन है। अन्यथा शरीर अपनी जगह पर ठीक ही है, सुविधाएं अपनी जगह पर ठीक है, हम जो उससे सुख की निरंतरता की अपेक्षा करते हैं वो बंधन है। ठीक है ना? मुक्ति क्या है? मुक्ति यह है कि राइट अंडरस्टैंडिंग से, राइट फीलिंग से, राइट थॉट से हम सुखी हो सकते हैं। ठीक है ना? ये हमको समझ में आ जाए और इसको हम अपने में सुनिश्चित कर लें, यही मुक्ति है। उसी को एक और भाषा में कह रहे थे कि सहस्तित्व व्यवस्था संबंध है, ये हमको समझ में आ जाए, सहस्तित्व व्यवस्था संबंध का भाव हर क्षण हमारे में बना रहे, तो हम सुखी हो जाते हैं, यही मुक्ति है। अब ये जो बंधन था कि दूसरे से कुछ पाकर सुखी होंगे, उस बंधन से मुक्त हो गए हम। इसका मतलब बाहर के साथ हम कोई संबंध नहीं रखते, ऐसा नहीं है। अब हम बाहर के साथ संबंध रखते हैं, है ना, उनके साथ जो संबंध है उसको ठीक ठीक पहचानते हैं, उसका ठीक ठीक निर्वाह करते हैं।
तो अब हम बाहर के साथ ज्यादा जिम्मेदार हो गए, शरीर के साथ ज्यादा जिम्मेदार हो गए, दूसरे व्यक्ति के साथ ज्यादा जिम्मेदार हो गए जितना पहले थे उससे। पहले तो हम उससे कुछ पाने के लिए रिलेट करते थे, अब पाने वाला और सुखी होने वाला काम से फ्री हो गए, सुखी तो हम हैं। अब हम देने के लिए रिलेट कर रहे हैं, अब संबंध में हम देने के लिए दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। तभी हम संबंध में ठीक से देख पाते हैं और जी पाते हैं, दूसरा भी हमको स्वीकारता है। ये ठीक है कि नहीं? तो अभी जो शरीर हमारे लिए बाध्यता था, बंधन था, अब अपनी मुक्ति के स्थिति को व्यक्त करने का एक साधन हो गया। तो अब हम शरीर के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जीते हैं, दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन है उसमें भी हम जिम्मेदारी पूर्वक जीते हैं। अभी दूसरे से कुछ पाके सुखी होने वाला मामला चल रहा था, वो कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था तो हम दुखी होते थे। अभी कुछ पाने का मामला है नहीं दूसरे से, अभी तो दूसरे को देने का ही मामला है संबंध में। वो दे रहे हैं, वो हमारे लिए भी सुखद है, दूसरे के लिए भी सुखद है। तो मुक्ति के साथ जब हम परस्परता में जीने जाते हैं तो ज्यादा अच्छे से जी पाते, ज्यादा जिम्मेदारी से जी पाते हैं। जिसका अभ्यास हम लोग अभ्यास दो में कर रहे थे कि हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, निश्चित है ना, जिम्मेदारी से जी सकते हैं, बाहर वाला चाहे कैसा भी जिए। क्योंकि बाहर वाले से कुछ पाके सुखी होने वाला काम तो खत्म हो गया, अब तो हमारा जो संबंध मैं उसके साथ देख पा रहा हूँ उसका निर्वाह करने के लिए करता हूँ। तो उससे फिर पूरा देन देन का अर्थशास्त्र शुरू होता है। अभी तो लेन लेन का अर्थशास्त्र चल रहा है। ठीक है ये? या भैया, या भैया, आई अंडरस्टूड। आप कर्नाटक से हैं? आई एम फ्रॉम कर्नाटका, तुमकुर, कल्पतरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू जी। प्रणाम सर। प्रणाम, प्रणाम सर। ऐसे दो इंसिडेंट्स हुए। एक समर सीजन में एक प्रोग्राम था जहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा हुए कुछ अच्छे कोर्स के लिए, और उनमें से कुछ को कुछ ट्रबल हो गया तो वो नहीं रहे। और दूसरा अभी यही हुआ था महाराष्ट्र में, जहाँ पर वो पहाड़ गिर गया और उसमें भी काफी सारे लोग चले गए। तो मुझे अभी वो याद है वो टाइम मैंने कैसे बिताया, कि मैं उन दो तीन दिन में बहुत डिस्टर्ब थी, ऐसे जैसे मशीन ऑपरेट करता है वैसे टाइप्स था, बहुत मैकेनिकल। और फिर मुझे बहुत कंफर्टेबल नहीं लगा ये सोचकर कि ऐसा हुआ, और मैं उसमें से बाहर निकलने में बहुत टाइम ले रही थी। तो मुझे ये समझना है कि ये सफरिंग वाला पार्ट मुझे इतना क्यों चुभता है। मैं जब हम UHV में कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा ही सेटल हो पाती हूँ कि ये डिज़ाइन ही ऐसा है, इसमें फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन होता रहेगा। लेकिन उसमें जब सेल्फ की इन्वॉल्वमेंट है तो उनके लेवल का सफरिंग फिर वो मैं अपने लिए, मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, मैं वो शायद उसको पार कर लूँगी उस तरीके से अगर मेरा इस शरीर से जाना हुआ तो। लेकिन फिर जब वो दूसरे लोगों से मेरे फैमिली मेंबर ऐसे उसको मैं ड्रॉ करने लगती हूँ तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो जी सर, देखिए इसको अभी हम जो प्रचलित भाषा में कहते हैं वो संवेदनशीलता कहते हैं, कि हम बहुत संवेदनशील हैं, जो कि अच्छी बात है, ठीक है ना। तो उसको जब अपने हम लोग जो चर्चा करते रहे हैं उसको टेक्निकल भाषा में देखेंगे तो उसका मतलब ये है कि अपने संबंध को पहचानना, निर्वाह करना, चाहे वो जड़ के साथ हो चाहे चैतन्य के साथ हो, वो संवेदनशीलता का जनरल डेफिनेशन है, ठीक है ना।
तो हम परस्परता में संबंध को पहचानते हैं, निर्वाह करते हैं, ये संवेदनशीलता का मतलब है। ठीक है, इतना बात ठीक हुआ? जी जी सर। और संवेदनशील होना अच्छी बात है, बट इस संवेदनशीलता के साथ जीने के लिए जो प्री रिक्विजिट है वो जानना मानना है कि हम चीजों को ठीक ठीक जाने, ठीक ठीक माने, तो उसके आधार पर संबंध को ठीक ठीक पहचानेंगे, निर्वाह कर पाएंगे। ठीक है, अभी क्या है क्राइसिस, वो यह है कि हम पहचानना निर्वाह करना तो करने जाते हैं लेकिन जानने मानने का काम हुआ नहीं। तो जहां भी जानने का काम नहीं हुआ और बिना जाने हमने मान लिया है और गलत मान लिया है, वहां जब पहचानना निर्वाह करने का जाते हैं तो हम समस्या ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है ना। तो संवेदनशीलता में जो समस्या है अभी वो ये है कि जो जानने मानने का काम था, जिसको संज्ञानीयता कहा है, वो काम पूरा हुए बिना हम पहचानना निर्वाह करने जाते हैं, संवेदनशीलता में काम करने जाते हैं, हम समस्याग्रस्त हो सकते हैं। तो उपाय क्या है? उपाय यह है कि हम जानने मानने के काम को पूरा कर लें, उसके आधार पर पहचानना निर्वाह करने लगे। ठीक है ना, तो फिर संवेदनशीलता को हम ठीक ठीक निर्वाह कर पाएंगे बिना परेशान हुए। ठीक है, तो उसी को फिर हम लोग ये जो भाषा दे रहे थे कि सहस्तित्व व्यवस्था संबंध है, ये हमको जानने में आ जाए। ठीक है ना, उस जानने के आधार पर हम उसको मान लें, उसके आधार पर संबंध को पहचानना निर्वाह करने का जो काम है वो सहस्तित्व व्यवस्था संबंध के अर्थ में होने लगे, तो हर क्षण हमारा भाव सही बना रहेगा, हमारा विचार सही चलेगा, सही आशा होगी और हम सुखी रहेंगे। सुखपूर्वक संबंध में जो भी व्यक्त करेंगे वो सहस्तित्व व्यवस्था संबंध के अर्थ में ही व्यक्त करेंगे, वो दूसरों के लिए भी सुखद होगा, दूसरों के लिए भी समृद्धि देने वाला होगा। तो ठीक ठीक चलेंगे तो ये होना है। अभी प्रॉब्लम क्या होती है? अभी प्रॉब्लम ये होती है कि जानने का काम ठीक से नहीं हुआ तो मानने में गलती होती है, इसलिए पहचानना निर्वाह करने में गलती होती है, इसलिए जो संवेदनशीलता वाला काम है उसका ठीक से निर्वाह नहीं हो पाता है। तो अभी अपने केस में देखें अगर कि ये लोगों के शरीर नहीं रहे, है ना, किसी घटना विशेष के कारण, तो इसमें हमारे खुद के साथ हुआ हो या दूसरे के साथ हुआ हो, हुआ तो इतना ही है कि जो निरंतर नहीं रह सकता वो निरंतर नहीं रहा, जो निरंतर रह सकता है वो निरंतर रह गया, इतना ही तो हुआ ना, कि जो सेल्फ है वो निरंतर बना रहा, शरीर जो है वो निरंतर नहीं बना रहा, जो निरंतर नहीं बना रह सकता वो निरंतर नहीं बना, जो नहीं निरंतर बना रह सकता वो बना रहा, क्योंकि दोनों ही खत्म हो गए तब तो कोई झंझट भी नहीं था, दुख भी किसको होता। ये जो बना रहा और उसने अपने को नहीं बने रहने के साथ जो आइडेंटिफाई कर लिया था उसको ही दुख हो रहा है कि नहीं? तो अभी ये अगर हमको साफ हो जाए कि इसमें से क्या बना रह सकता है, क्या बना नहीं रह सकता है, और हमको ये दिख जाए कि जो बना रह सकता है वो बना ही रहेगा, जो बना नहीं रह सकता वो देर सवेर उसका नाश होगा ही, तो कोई समस्या नहीं है। तो ये जानने का काम ठीक नहीं हुआ, उसके साथ मानने में गलती हो गई, अब उसको पहचानने निर्वाह करने जाएंगे गलत मान्यता के साथ, तो हम कोशिश करेंगे कि शरीर हमेशा बना रहे और वो बना नहीं रहता है, क्योंकि वो बना नहीं रह सकता है, अब वो हमारे दुख का कारण हो जाता है। ठीक है ना, तो फिर क्या मतलब हुआ इसका कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, हम कुछ ना करें, हम संवेदनहीन हो जाए,
ये नहीं कह रहे, ये जो शरीर रहा या नहीं रहा या किसी खराब हालत में रहा, अब उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, निर्वाह उसको देखें, उसको करें। तो अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है ना, चार लोगों का शरीर छूट गया, दस लोगों का शरीर आहत है, तो अभी क्या करेंगे? एक काम तो ये करेंगे कि जो दस शरीर आहत हो गए हैं, इनको जो रिपेयर मेंटेनेंस हो सकता है उसको हम करेंगे, उसकी जिम्मेदारी को स्वीकारेंगे, जो भी सहयोग हो सकता है उसको करेंगे, यही किया जा सकता है ना। और ये जो दस लोग, चार लोग चले गए, इनके परिवार के लोग जो अभी ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं और वो पीड़ित हैं, ठीक है ना, उनको जो हम राहत दे सकते हैं, जो सहयोग कर सकते हैं वो करेंगे। और तीसरा काम ये भी हम कर सकते हैं कि ये जो सेल्फ थे, बिना समझे शरीर चलाए और छोड़ गए और अब दुखी होंगे, उनके राहत के लिए भी कुछ कर सकते हैं तो वो भी करेंगे। तो संवेदनशीलता के तहत इतना काम हम करेंगे, बिना खुद उससे प्रभावित हुए, बिना उससे दुखी हुए, ठीक है ना। हम संवेदनशीलता के तहत अपने संबंध को पहचानने, निर्वाह करने के तहत जो शरीर छत विछत हैं उनको ठीक करने का काम है ना, जो समाप्त हो गए, शरीर छोड़ दिया जीवन ने, उनके जो संबंधी हैं वो जो परेशान होंगे, उनको जो आराम दे सकते हैं उसको देने का काम। और ये सेल्फ परेशान होगा जिसने शरीर छोड़ दिया, स्वेच्छा से नहीं छोड़ा, बाध्यता से छूट गया, उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो उसको भी करेंगे। इतना ही तो करने का बनता है कि नहीं? अभी हम क्या करते हैं, ये तीनों जो करने का काम है उसको किए बिना हम खुद ही परेशान हो जाते हैं। इससे तो कुछ निकल नहीं रहा है। है ना, तो ये सब क्लैरिटी होगी तो हम इससे खुद आहत नहीं होंगे, जो आहत है उनको आराम देने का सोचेंगे, वही संबंध का निर्वाह बनता है, वही संवेदनशीलता का मांग है। सर मुझे बस एक और बात कहनी है, मुझे ऐसे ध्यान आ रहा है कि हर अजम्पशन जो है वो ऐसे ड्रिल डाउन करते हुए जब जाते हैं तो अपने आप को शरीर मानने वाला ही और दूसरे को भी वैसा मानने वाला ही बहुत वही दिखता है, कभी पहुंची अंदर तो मुझे ना एक्सरसाइज टू में काफी सारी मुझे में गड़बड़ दिखती है, और जो स्टेप फोर है ना तो मुझे उसका सिग्निफिकेंस उतना अभी अंदर तक नहीं पहुंचा, जब हो रहा था तो लगा कि हाँ हाँ ध्यान आ गया, अभी लग रहा है कि वही मेजर गड़बड़ हो रही है, तो मुझे उसका सिग्निफिकेंस समझना है, स्टेप फोर का, वो दूरी बनाने वाला। ठीक बात है। अभी तो इतना पहचान बन गया है इस शरीर के साथ कि मैं शरीर हूँ ऐसा मान ही लिए और उसी तदाकार के साथ जी रहे हैं। मैंने चार सूत्रों का जिक्र किया था, जो प्रारंभिक चार सूत्र हैं। पहले मैं तो ये बताया कि ये अभी योग के अनुशासन के बारे बात कर रहे हैं, ये पहला सूत्र है। दूसरे सूत्र में उन्होंने बताया कि योग क्या चीज है, तो चित्त के वृत्ति का निरोध, ये योग है। तीसरा ये बताया कि चित्त के वृत्ति का निरोध हो जाता है तो हम दृष्टा की जगह पर पहुंच जाते हैं, दृष्टा की स्थिति में होते हैं। और चौथा ये बताया कि जब दृष्टा की स्थिति में नहीं है तब ये नीचे वाली चित्त की वृत्तियों के साथ हम अपने को आइडेंटिफाई किए रहते हैं, ऐसा बताया। तो सूत्र नंबर दो में कहा है योगस चित्त वृत्ति निरोध, तीन में कहा है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, और चार में कहा है वृत्ति सारूप्यम इतरत। उसका मतलब अभी जो हम लोग जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसका मतलब ये होगा, सूत्र नंबर दो का मतलब यह है कि हम ज्यादातर जो जीवन की
सेल्फ की जो एक्टिविटीज हैं, लोअर एक्टिविटीज, उसके जगह पर जीते रहते हैं, तो उतने तक हम बंधे ना रहें, उससे ऊपर हम गति करें और शुद्ध दृष्टा की जगह तक पहुंचें। ठीक, तो जब तक, जब हम नीचे के क्रियाओं में ही सीमित रहते हैं, वो सब कुछ चित्तवृत्ति का है। उससे ऊपर उठना है, ऊपर उठते हैं तो दृष्टा की जगह पर होते हैं। ये तीन नंबर का मतलब है, सूत्र नंबर तीन का। और जब ऊपर नहीं उठे हैं तब हम नीचे के साथ ही बह रहे होते हैं, ऐसा तीसरा चौथा सूत्र का मतलब है। हाँ भैया, स्पष्ट हो गया भैया, बहुत बढ़िया, आभार भैया। तो अगर अगर ये डिस्प्ले कर देंगे वाली एक्टिविटी ऑफ द सेल्फ को की स्लाइड, तो हम उसमें और एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी जी सर। जी, जो पतंजलि का टेक्निकल टर्म है उसमें ये जो ऊपर वाला है वो ठीक था, उसको क्यों हटा दिए? जी 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 सर, जी सर, थोड़ा सा पतंजलि के टेक्निकल टर्म में देखेंगे तो चित्त और चिति दो शब्द प्रयोग किया उन्होंने। तो ये नीचे के जो चारों क्रियाएं हैं उसको चिति कहा है, चित्त कहा है, और दृष्टा की जगह पर ये जो प्योर ऑब्जर्वर का जगह है उसको चिति कहा है, चित्त और चिति। तो नीचे की क्रियाओं में ही हम जी रहे हैं तो हम चित्त के वृत्ति के साथ जी रहे हैं। चित्त वृत्ति निरोध करने का मतलब यह है कि चित्त के वृत्तियों को पूर्णता के अर्थ में चलाने के लिए जो प्रयास है वो चित्त वृत्ति निरोध का मतलब है, कि सिर्फ चित्त के वृत्ति के जगह पर ना जिएं, उससे ऊपर उठें। वैसा करेंगे, ऊपर उठेंगे तो दृष्टा के जगह पर हो जाएंगे, तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम्। अन्यथा क्या होता है, हम नीचे की जगह पर जीते रहते हैं। चित्ति सारूप्यम इतरत्र, ऐसा तीन, दो तीन चार नंबर का सूत्र ये कहता है। तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि ये जो नीचे की क्रियाओं पे जी रहे थे पहले, कल्पनाशीलता पर और उसके पीछे जो संस्कार है उसकी जगह पर, उससे ऊपर उठकर हम शुद्ध दृष्टा की जगह पर जीने लगे, शुद्ध दृष्टा की जगह पर जीने लगे और वहां से फिर नीचे की क्रियाओं को देखने लगे, उसका मूल्यांकन करने लगे। इतना काम कर रहे हैं। ये ठीक है? हाँ भैया, बहुत अच्छा भैया। क्या ये सब बातें ना, जब हम अपने में देखने लगते हैं, अपने में दिखाई पड़ने लगता है, तब वो समझ में आता है कि क्या बात हो रही है। नहीं तो क्या है कि वो कुछ बात हो रही होती है, हमको नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है। कुछ अच्छी बात हो रही है इतना तो ठीक है, बट उससे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। जी भैया, गणेश भैया नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते नमस्ते, प्रणाम प्रणाम। बहुत दिन के बाद मेरे को आज अवसर मिल रहा है एक बार फिर आपसे। जी जी जी। तो भैया, शरीर के साथ मुक्ति बहुत बढ़िया चर्चा चल रही है और मेरा प्रयास भी है और सब कुछ समाज से मिला है, और उसको किस तरीके से वापस करें, क्योंकि मैंने जीवन के अमृत महोत्सव को भी क्रॉस किया है अभी रिसेंटली। अच्छा। तो अपने पिछले करीब करीब एक दशक से ज्यादा हो गया, आपने 10 वर्ष का अवधि दी थी कि अपने को संभालने में, तो लेकिन अभी भी अभ्यास चल रहा है और प्रयास ये है कि वो दिन देने वाली प्रवृत्ति
क्योंकि सब कुछ समाज से मिला है, तो अब वापस ही यात्रा शरीर को ठीक रखते हुए और शरीर के साथ मुक्ति के लिए कैसे प्रयास करें। बहुत बढ़िया चर्चा चल रही थी, मैं भी अपने ऊपर प्रयास करता हूँ। हम कोएग्जिस्टेंस के साथ ही जीवित रहते हैं और प्रभाव बीच बीच में आता है बाहर का। बहुत अच्छी बात है कि इतनी उम्र में भी आप इतने उत्साह से लगे हैं। अभी कितना 75 साल तो हो गए आपकी उम्र। जी भैया, 15 जुलाई को 75 पूरे कर दिए। और इसमें 1969 में मैंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद 35 वर्ष तक मैं इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया। उस समय जो भी कंडीशंस थी डोमिनेट करने की या रिजल्ट पाने की, उसके बाद अध्ययन अध्यापन में जब आया तो आपसे जुड़ गया 2009 से, और विषय वस्तु के साथ तो ऑफ एंड ऑन बीच बीच में होता रहा है, लेकिन अभी भी मैं अपने को उपलब्ध करा पाता हूँ, प्रयास करता हूँ, स्वस्थ रहूँ। ठीक बात। और सुबह जल्दी जग जाते हैं, रात को जल्दी ही सोने का अभ्यास है, 9:30 बजे के बाद जग नहीं पाते। अच्छी बात है, 9:30 बजे सोना और 3:30 बजे उठना, ये सबसे बढ़िया। जी हाँ, ऐसे ही है, 4 बजे तक जरूर उठ जाते हैं। ठीक बात है। अपने ऊपर प्रयास है तो आप बीच में परिमार्जन तो होता रहेगा, निरंतर वो प्रक्रिया है। और प्रश्न तो कायदे से बन नहीं पाते, लेकिन बहुत सारे प्रश्न जो सुबह की सत्र में पूछे जाते हैं उनसे लगता है कि कभी हमारे भी प्रश्न रहे होंगे, या निदान भी मिलता है। सही बात। तो आपकी शुभकामनाएं बनी रहें और गाइडेंस मिलती रहे और जी। कुछ कार्य कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है, तो बहुत बड़ा यज्ञ है तो इसमें कुछ आहुति अपनी भी हो जाए। ठीक बात, ठीक बात। नमस्ते, नमस्ते भैया, धन्यवाद। नमस्ते भैया। चंद्रशेखर जी, आपको माइक दिया है। नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को, वॉइस कॉल को। भैया एक ही प्रश्न लास्ट टाइम छोड़ क्लैरिटी नहीं हो पाया भैया उसका। स्वयं में उदारता का एक तो एग्जांपल अगर मिले तो। स्वयं में उदारता का मतलब इतना बताए कि आप अपने में जल्दी करते रहते हैं ना कि तुरंत सब चीजें ठीक हो जाएं, वो ठीक होती नहीं है तो आप परेशान होते हैं। जबकि स्थिति है कि बहुत सारे संस्कार आपने इकट्ठे किए, अभी इस शरीर यात्रा में बहुत इकट्ठा किया और पिछले शरीर यात्राओं में भी बहुत सारा इकट्ठा करके रखे हैं, है ना। वो सबको देखने में, उसका मूल्यांकन करने में, उससे निवृत्त होने में तो टाइम लगेगा ना। जल्दबाजी ना करें, वही स्वयं में उदारता है। हाँ, कि आप अपने साथ जल्दी कर रहे हैं, हड़बड़ी कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, तो अपने को भी समय दीजिए, दूसरे को भी समय दीजिए, तो अपने प्रति भी उदार रहिए, दूसरे के प्रति भी उदार रहिए, कि नहीं। ठीक है भैया जी, मिल गया। थोड़ी में शॉर्ट में बहुत बढ़िया मिल गया। नमस्ते भैया। भैया मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने ना 4 तरीके के संस्कार बताए थे कि डोरमेंट, वीक, डाइवर्टेड एंड एक्टिव। तो जब मैं अपने इंटरेक्शन में जाती हूँ तो ये जो डाइवर्टेड है, वीक है और जो बाहरी इन्फ्लुएंस है उससे जो व्यवहार में चेंज होता है वो तो दिखाई देता है, लेकिन जो डोरमेंट संस्कार है उनको देखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, वो दिखाई नहीं देते, तो उसको कैसे देखा जाए जिससे कि आगे की गति सुधर पाए। देखिए क्या है, वो जब अभी उदारता की बात हो रही थी ना। जी 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 जी। तो अपने को जब हम समय देने को तैयार होते हैं और हर क्षण अपने पर काम कर रहे हैं, तो कोई भी संस्कार जो मेरे में बना है, हुआ है, वो तो किसी क्षण में ही निकलेगा ना। जब भी निकलेगा तब उसको देख लेंगे और मूल्यांकित कर लेंगे। तो वो दिखाई नहीं देता तो फिर वो उसको मूल्यांकित कैसे करा जाएगा। नहीं, अभी तो उसका कोई अनुकूलता नहीं मिला तो वो नहीं हुआ ना, सरफेस आउट नहीं हुआ है, है ना। तो अभी अगर हम इस क्षण इतना करें कि इस क्षण जो भी संस्कार हमारा एक्टिव हो रहा है उसको देखें,
उसका मूल्यांकन करें, उसके तहत जो भाव विचार चल रहा है उसको देखें, उसका मूल्यांकन करें जी। इतना अगर कर लेंगे तो इस क्षण हमारा भाव ठीक हो जाएगा जी जी जी, हम आराम में रहेंगे इस क्षण। और जिस संस्कार के तहत ये भाव बिगड़ा था उसका भी मूल्यांकन हो जाएगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। ऐसा हर क्षण अगर करते रहेंगे तो धीरे धीरे जो बहुत सोए हुए संस्कार हैं वो भी निकलने लगेंगे, है ना, वो भी दिखने लगेंगे। फिर और अगर हम इस काम को ठीक से करते रहे और अपने में आराम में रहे तो हमारे देखने की सूक्ष्मता बढ़ेगी, सटलिटी बढ़ेगी, है ना। तो फिर हम सीधा सीधा संस्कार को ही देख पाएंगे। अभी तो संस्कार जब भाव में आता है तब देखते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे हम सूक्ष्मता बढ़ेगी तो सीधा सीधा भी देख सकते हैं जी। तब ये जितने अंदर वाले है ना, और गहरे में उसको सीधा सीधा देखने का काम होगा जी। अभी हमारी सूक्ष्मता कम है और बहुत लोग तो अभी क्या है, भाव को भी सीधा नहीं देख पाते, विचार को ही देखते हैं, वहां से भाव के बारे कंक्लूड करते हैं। अगर हम धैर्य से काम करते रहेंगे, हर क्षण होश में रहेंगे, होश पूर्वक देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो पहले भाव विचार वाला भाग दिखने लगेगा, फिर उससे सूक्ष्म भाव वाला भाग दिखने लगेगा, और फिर उससे सूक्ष्म जो संस्कार है वो दिखने लगेगा। ये जो प्रसुप्त वाले हैं वो तब धीरे धीरे दिखने शुरू होंगे। और उसमें भी क्या है, बहुत सारे लेयर्स हैं, कुछ ऊपर के लेयर हैं जो जल्दी दिख जाएंगे, कुछ अंदर के लेयर हैं वो थोड़ा टाइम लेकर दिखेंगे। तो अभी तो ये है कि हर वक्त हर क्षण सजग रहने की जरूरत है, कि तभी वो लेयर जो है वो ओपन होंगे। हाँ, उससे कम एक्सीडेंट तो नहीं होगा जी, हर क्षण हम आराम में रहेंगे, ठीक है कि नहीं। अभी तो वही चाहते हैं कि कम से कम एक्सीडेंट तो ना हो जी भैया जी। फिर धीरे धीरे हमारा सूक्ष्मता बढ़े तो हम और सूक्ष्म चीजों को देख पाए, तो संस्कार को सीधा सीधा देख पाए, उसमें भी जो ऊपर वाले संस्कार हैं उसको देख पाए, फिर नीचे जो संस्कार उसको देख पाए। इसी स्टेप में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है अभी, डिफिकल्टी फेस कर रही हूँ मैं कि कोई भी जैसे हो जाता है इंसिडेंट तो उसमें समझ नहीं आता है कि ये किस संस्कार की वजह से हुआ। एक बात है, डाइवर्टेड है वो तो पता चल जाता है कि ये डाइवर्टेड है या इन्फ्लुएंस्ड है या ये वीक था इस वजह से स्लिप हो गया, ये दिखाई तो देने लगा है, बट ये डोरमेंटेड वाले में थोड़ी दिक्कत आती है। वही सबसे नीचे है वही जी, तो सबसे ज्यादा टाइम लगता है वहां तक पहुंचने में जी। नमस्कार सर। नमस्ते सभी परिवारजनों को नमस्कार। या किसी संबंध में अगर हम ये महसूस करें कि अपेक्षाएं बिल्कुल खत्म हो गई तो कहीं नीरसता का अनुभव होता है, उस स्थिति में क्या करें? नहीं, अपेक्षाएं खत्म कर दें ये कौन कह रहा है, सही अपेक्षा को बनाए रखें, लेकिन ये नहीं माने कि दूसरे में सही अपेक्षा को पूरा करने की योग्यता है। तो ये जो हम आग्रह करते हैं कि वो सही अपेक्षा पूरा ही करें, उसमें प्रॉब्लम है जी। सही अपेक्षा तो बनी रहे, जैसे मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि आप मेरे साथ जिम्मेदारी से अपनी बात को रखेंगे जी। ठीक है ना, ये अपेक्षा तो मेरी बनी हुई है, बट आप रखेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो आपकी योग्यता पर निर्भर करेगा, आप अन्यथा भी रख सकते हैं, है कि तो नहीं? फिर कहीं फसावट लगती है ना भैया उस स्थिति में, फिर क्या करें? नहीं, क्यों फसावट लग रही है? फसावट इसलिए लग रही है क्योंकि हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि या तो अपेक्षा रखेंगे तो उसका आग्रह भी रखेंगे कि अपेक्षा पूरी हो, उसमें योग्यता हो, या हम अपेक्षा नहीं रखेंगे। ये दो चॉइस क्यों है? एक तीसरा चॉइस है कि हम सही अपेक्षा रखेंगे, ठीक है ना जी, और वो सही अपेक्षा उसकी पूरे करने की योग्यता होगी तो पूरा कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो उस स्थिति में खुद को हेल्प कैसे करेंगे भैया? जैसे अगर मान लो कि हमें लगता है कि सामने वाले ने वो अपेक्षा हमारी पूरी नहीं की या हमने सही नहीं रखी, जो भी आपने जिस तरीके का दृष्टिकोण डेवलप की,
तो उस समय पे क्या करें? उस समय बड़ा ऐसे लगता है कि ये संबंध के साथ निर्वहन में कहीं कोई कठिनाई महसूस हो रही है। वही तो उसमें दो काम करेंगे, एक तो सही अपेक्षा को बनाए रखेंगे, दूसरा उसकी सही अपेक्षा को पूरा करने की योग्यता है कि नहीं इसका ठीक ठीक आकलन करेंगे। ठीक जी। अगर योग्यता नहीं है तो हम आग्रह नहीं करेंगे कि वो हमारी अपेक्षा पूरी करे। दो, तीसरा उसकी योग्यता को बढ़ाने के लिए जो हम सहयोग कर सकते हैं वो करेंगे। हमारे लिए अब एक प्रोग्राम बन गया ना। क्या प्रोग्राम है? दो चीज, एक तो अपेक्षा रहेगी सही की, बट उसका मूल्यांकन करके हमको पता लगा कि उसमें योग्यता नहीं है अपेक्षा को पूरा करने के लिए, तो हम उसमें आग्रह नहीं करेंगे कि वो पूरा ही करें। बिल्कुल। दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात ये कि हमारा संबंधी है और उसमें योग्यता नहीं है सही के लिए, तो उसकी योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। जी ठीक है ना। उस प्रयास को करते समय ये भी ध्यान रखेंगे कि वो अभी सुनने वाला भी है कि नहीं हमारे। एग्जैक्टली वहाँ भाव बिगड़ता है मेरा, वहाँ भाव बिगड़ता है मेरा। आप जबरदस्ती सुनाने पहुंच जाएंगे और उसकी स्वीकृति बनी नहीं है आपसे सुनने की। जी भाई है ना, तो आप समस्या ग्रस्त हो जाएंगे। तो फिर मैं छोड़ देती हूँ उस स्थिति में भैया, कुछ दिन उस छोड़ने देते हैं, छोड़ने देते हैं, आप रिएक्शन में आते हैं। जी उसी का दुख है, वो रिएक्शन में ना आए तो दुख नहीं है। इतनी आसानी से हम छोड़ते थोड़ी हैं, हम रिएक्शन में आ जाते हैं। उस रिएक्शन से पहले हम दुखी होते हैं, अपना भाव बिगाड़े। बिल्कुल। वो भाव बिगाड़े तो देर से फिर उसको भी कम्युनिकेट करते हैं। हाँ, वो इनडायरेक्ट उसको भी दुखी करते हैं। जी भैया। तो आप उससे सही की अपेक्षा रख रहे थे और आप गलत करने लग गए। बिल्कुल। उससे वो आदमी इरिटेट होता है, उसको लगता है कि अभी हमको इतना भाषण दे रहा था, अभी इसकी हालत खुद की ठीक नहीं है। जी। तो जो कुछ अच्छा उसने देखा भी था, आपसे मूल्यांकन भी किया था, वो भी सब नकारने को तैयार हो जाता है वो। बिल्कुल। है कि नहीं? जी भैया। इस तरह से जो है वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाता है। अब उसने आपको नकार दिया तो आपको और रिएक्शन आ गया कि इतना अच्छा किए थे उसको भी नहीं देख रहा है ये। अब फिर रिएक्शन आपको आ गया तो आप उसको एक्सप्रेस करते हैं तो वो परेशान होता है, फिर आप परेशान होते हैं, ये सब चलता रहता है। ऐसा एक नेगेटिव लूप हम बना लेते हैं। ये जो तीन बातें मैंने कही, अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो एक पॉजिटिव लूप बनेगा। एक तो हम सही की अपेक्षा रख रहे हैं, दूसरा आग्रह नहीं कर रहे कि वो करे हमारी अपेक्षा को पूरा, हम इस बात का मूल्यांकन कर रहे हैं कि उसमें योग्यता है कि नहीं। जी जी भैया, स्वयं की अपेक्षा का मूल्यांकन पहले करना था, वहां गलती की मैंने। हाँ, और दूसरे में योग्यता है कि नहीं इसका मूल्यांकन। जी। और तीसरा ये कि अगर योग्यता नहीं है तो उसकी योग्यता को विकसित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास। जी। और उसको करते समय हमारे और उसके बीच में क्या आश्वस्ति का लेवल है, इसका आकलन, उसके हिसाब से क्या प्रयास हो सकता है वो तय करना। ये करेंगे तो एक पॉजिटिव लूप बनेगा। जी भैया। अभी जो हम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम ही खुद रिएक्शन में आ जाते हैं। हाँ, हेल्प करने का प्रयास तो भैया मैंने किया, बट मुझे कहीं खींच हुई उस दौरान, मैंने महसूस किया। खोज खींच का मतलब रिएक्शन। एग्जैक्टली। और अगर हम रिएक्शन में तो बाहर क्या निकलेगा, कुछ अच्छा निकलेगा कि गड़बड़ निकलेगा? नहीं नहीं, वो तो नहीं निकलेगा। तो गड़बड़ निकलता है, उसको लगता है कि देखो फिर आ गया अपने वापस जगह पर। हाँ जी। जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ था वो सब बेकार है। उनका ये जो मूल्यांकन है उससे आप फिर और रिएक्शन में आ जाते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि एक तो व्यवहार ठीक नहीं कर रहे, दूसरा हमारा मूल्यांकन भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। जी ठीक है कि नहीं? जब ऐसा लगता है तो फिर आप सोचते हैं कि छोड़ो, इनसे कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। ये किसी काम के नहीं है, है ना? और फिर जो आप छोड़ते हैं तो उसको लगता है कि देखो ये सब इतना दिखावा कर रहे थे, अभी हो गया, अभी ठीक अपनी पुरानी जगह पर आ गए। जी भैया। तो खत्म हो गया मामला और क्या। हाँ जी। तो अपने को पॉजिटिव लूप को बनाना है।
नजर आता भैया, सबसे अच्छी बात है कि वो दिखाई तो तुरंत दे देता है कि हाँ ऐसा गड़बड़ तो हो गया है, तो अब ठीक करने के लिए काम करना और क्या। बिल्कुल करेंगे भैया, धन्यवाद भैया। कहाँ से हैं आप निकिता जी? श्री गंगानगर भैया, राजस्थान का एक कोना है, पंजाब से मिलती है। जी हाँ जी जी जी, ठीक ठीक है, बढ़िया, सबको शुभकामना, समय हो गया है। नमस्ते जी भैया, नमस्ते सभी को, धन्यवाद। नमस्ते, तो ठीक है, कल से हम लोग शेयरिंग का काम शुरू करेंगे जी, और जी, फिर कभी अवसर होगा तो हम लोग मिलेंगे जी। जी सर, नमस्ते, सबको शुभकामना, नमस्ते।